देश भर में ईद की रौनक देखने मिल रही है। कल चांद दिखने के बाद आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है। जाने माने पत्रकार राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी की हत्या की जांच में जम्मू कश्मीर को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बुखारी की हत्या के संदर्भ में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। तेजस्वी यादव और गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी के बीच अच्छा तालमेल नजर आ रहा है। कुछ महीनों पहले ही उनकी मुलाकात शुरू हुई है और अब राहुल गांधी तेजस्वी का साथ पा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम पद के लिए राहुल गांधी एकदम फिट हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑफिस में हुआ है बड़ा बदलाव। 11 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अब मुख्यमंत्री सचिवालय में 2 सचिव हो जाएंगे। अब तक मृत्युंजय नारायण ही ये काम अकेले देख रहे थे। अब योगी के सीएम ऑफिस में 1 प्रमुख सचिव, 2 सचिव, 4 विशेष सचिव और 4 SOD नजर आएंगे। कानपुर से एक दर्दनाक खबर है। बालू से लदा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। इससे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद से इलाके में कोहराम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के धरने का आज 6ठा दिन है। मांगे नहीं मानने पर आम आदमी पार्टी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई इस बैठक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पीएमओ पर रविवार को आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। डस्ट अटैक से परेशान दिल्ली। दिल्ली NCR की हवा 4थे दिन भी जहरीली बनी रही। फिलहाल हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूर आया है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद तीनों MCD ने बड़े दर्जे पर दिल्ली में पानी का छिड़काव किया है। महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। अरावली की पहाड़ी क्षेत्र में गांव अनकपुर में 1500 गज जमीन को लेकर स्थानीय निवासी प्रेम कृष्ण आर्य और पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा के बीच जमीन की मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। ये मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। आधुनिक सुविधाओं से लैस नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नए सिरे से तैयार किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का लोकार्पण किया। स्पेन और पुर्तगाल के मैच में 6 गोल देखे गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक से मैच ड्रॉ रहा। पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। दोनों टीमों को मिला 1-1 अंक।